आज हम पैशन प्रो बाइक का जो स्प्रॉकेट होता है उसको हम क्लीन करके फिर से लगाएंगे। तो प्रोसीजर आप पूरा जरूर देखिएगा कैसे खोला जाता है। सबसे पहले हम टी स्पैनर के द्वारा हम उसका जो कवर होता है वो खोलेंगे, उसके बाद हम ये वाला स्प्रॉकेट खोलेंगे, इसको हम क्लीन करके फिर से लगाएंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। बोल्ट खोल कहीं ये तो खबर है उन्होंने बोल्ट इस तरह से हम WD-40 स्प्रे या केरोसिन से पूरा इंजन साफ करेंगे। उसके बाद जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ग्रीस करके फिर से हम उसको लगा देंगे। अगर आपके बाइक में से आवाज़ आती है तो इसको साफ करना पड़ेगा। इस तरह से हम स्प्रॉकेट को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल नया हो गया है। इस तरह आप घर पे ही इसको क्लीन करके आप वापस लगा सकते हैं। अब इसको वापस लगाने के लिए हमको यहाँ पे ग्रीसिंग करना पड़ेगा और ग्रीसिंग करने के बाद हम फिर से वहाँ पे स्प्रॉकेट लगाएंगे। भाई साहब जी अच्छा पन लगी कैन क्या थी कार्ड सो फरावन हो साहब भी उल्टा वाइन कर 0.6 जो 0.6 करो मस्त रिजल्ट आ गया है। अभी हम ग्रीसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप अपने बाइक पे ग्रीस करके स्प्रॉकेट को फिट करके उसमें से जो आवाज़ आती है कट कट की वो आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। दीवाना जूता है इसमें इसको खोलने के लिए कंपलसरी टी स्पैनर की ज़रूरत होगी। बार रखू है नारी इस तरह से स्प्रॉकेट में भी हमको ग्रीसिंग करना पड़ेगा उसका जो नॉइस है वो कम करने के लिए। ना ना लगाओ हाथ ने आटलू बधु करो ले वीडियो में आई जैसे बताओ चैन में लगाई नहीं करूं चलो ये बने हाल जी सर सर थोड़ी दबाने ज्यादा रे रे इस तरह से हमारा स्प्रॉकेट अपनी जगह पे फिक्स हो गया है।
अब आप देख सकते हैं कि आवाज़ बहुत ही कम हो गई है। वो जब्बर लोग आवे साहेबा ने जरूरी बार में ये लोग में तरत बेही जाए बाहर निकल रहा है। वो भी नहीं मालूम है आपको पर पिलू लगाए पाइप फिट कर हां लटका दी चलो फिर छोड़ देता है ना।